हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू येट अनदर व्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो हम अपने राइड पे जाके आ गए हैं। बहुत ही अच्छी राइड थी, बहुत ही सक्सेसफुल राइड थी, जो हमने प्लान किया था उस हिसाब से किया। थोड़े बहुत चेंजेस हो गए उसमें, लेकिन कोई बात नहीं, अच्छे के लिए ही हमने वो चेंजेस किए थे। तो मेरे राइड के व्लॉग जो है कुछ दिनों बाद आने वाले हैं, क्योंकि उसको मुझे ठीक से एडिट करना है, अच्छे से प्रेजेंट करना है आप सबके लिए, तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। उसके पहले दो तीन अलग से व्लॉग्स आ जाएंगे, लेकिन आज का व्लॉग है सिर्फ अबाउट एक्सेसरीज अपडेट, जो भी मैंने अपडेट किया है मेरे बाइक पर। क्योंकि मैंने इसके पहले जो व्लॉग्स आए थे उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जो भी आपने अपडेट किया है बाइक पर एक सिंगल वीडियो में हमें बता दो आपने क्या क्या अपडेट किया है विद ऑल द डिटेल्स। तो अभी वही करने जा रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं बाइक की तरफ और देखते हैं मैंने अपने बाइक पर क्या क्या अपडेट किया है, क्या क्या अपग्रेड किया है, क्या क्या इंस्टॉल किया है। और मैं ये भी बताऊंगा कि मैंने वो इंस्टॉल क्यों किया है, क्योंकि सारी चीज़ें शो ऑफ के लिए नहीं है, बहुत सी चीज़ें प्रैक्टिकल है जो काम में आती है आपके। तो चलिए वो कौन सी चीज़ें हैं मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बड़ी अपडेट मैंने किया है अपने बाइक पर वो था ये लॉन्ग वाइज़र। तो ये लॉन्ग वाइज़र मैंने बहुत पहले लिया था, मेरे गोवा वाले राइड के पहले ही लिया था, मेरे गोवा वाले ब्लॉग्स में भी आपने देखा होगा। तो ये बहुत ही अच्छी तरह काम करता है, विंड बफेटिंग में हेल्प हो जाती है, विंड बफेटिंग रिड्यूस करने में हेल्प हो जाती है, और इससे ड्रैग थोड़ा कम हो जाता है। वो आप बाइक चलाओगे तभी आपको समझ में आएगा, मैं अभी आपको बता नहीं पाऊँगा। तो इसके वजह से जो है विंड ब्लास्ट है वो भी आपके ऊपर कम होता है, सिर्फ आपको थोड़ा सा आपके अपर शोल्डर में फील होगा, और बाकी तो टैंक बैग होता है सामने, उसके वजह से भी थोड़ी हेल्प हो जाती है। तो इट इज़ अ वेरी गुड वाइज़र, मैंने पहले भी रेकमेंड किया था, अगर आप MT-15 चलाते हो और लॉन्ग टूर्स पे जाते हो तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हो, बहुत ही अच्छा वाइज़र है। इसके लिंक्स और सारी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। तो सारी चीज़ें मैंने अमेजोन से नहीं मंगाया, कोई कोई अलग वेबसाइट से है, कोई कोई इंस्टाग्राम सदस्य है, तो हर एक चीज़ों का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा डिटेल्स। तो फिर से देख लीजिए, ये है लॉन्ग वाइज़र। आई डोंट नो लाइट की वजह से कितना दिख रहा है, क्योंकि सनलाइट बहुत है यहाँ पर। तो इसके कुछ इमेजेस भी मैं डाल दूंगा वीडियो में आपको अच्छी तरह से उसका लुक दिखाने के लिए, बाइक पे कैसा दिखता है आफ्टर इंस्टॉलेशन। तो उसके बाद जो हमने इंस्टॉल किया हमारे बाइक पे, हमारे वन ऑफ द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑन दिस बाइक इज द मिरर्स। जी हाँ, तो इसके पहले जो मिरर्स मैंने इंस्टॉल किए थे दिखने में अच्छे थे, लेकिन उसमें आपको कुछ व्यू अच्छा नहीं मिलता था, पीछे का तो मिल जाता था लेकिन बहुत कम मिलता था, और वाइब्रेशन की वजह से वो भी थोड़ा ब्लर हो जाता, तो इतना कुछ खास नहीं था। मिरर मैंने पहले लगा लिया था, वो अच्छा दिख रहा था करके, लेकिन जब से मैंने लॉन्ग टूरिंग शुरू की इस बाइक पर तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम होने लगा। मैंने गोवा राइड में वो यूज़ किया था, मेरे को बहुत प्रॉब्लम हुई थी, और इसीलिए मैंने इस राइड से पहले ये मिरर्स इंस्टॉल किए। अगर आप बाइक एंथुसियास्ट हो तो आप समझ गए होंगे कि दिस मिरर्स आर फ्रॉम बजाज डोमिनर 400। जी हाँ, ये डोमिनो 400 के मिरर्स है, बहुत ही कॉस्टली है माइंड यू, अराउंड 3500 के है दोनों, यानी सिंगल आपको 1700 समथिंग का आता है। तो ये बजाज से आप ले सकते हो, मैंने लिंक भी डाल दिया है अगर आपको उसे ऑनलाइन ऑर्डर करना हो तो। कॉस्टली है लेकिन अच्छे हैं, उसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी है, मेटल फिनिश है, CNC कटिंग है, और ड्यूरेबल है, और व्यू बहुत ही अच्छा मिलता है आपको रियर का। आपको ऑफकोर्स डोमिनर जैसे टूरिंग बाइक है तो उसके लिए ही ये मिरर्स बनाए गए हैं, और बहुत ही अच्छा आपको रियर का व्यू मिल जाता है, आपको राइडिंग के दौरान बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है, ट्रस्ट मी, क्योंकि मैं अभी लॉन्ग राइड पे जाके आया हूँ, इस मिरर्स को यूज़ किया है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। तो उसके बाद हम चलते हैं अपने अगले प्रोडक्ट की तरफ जो हमने बाइक में इंस्टॉल किया है। तो इसके बाद जो हमने इंस्टॉल किया है बाइक पर वो है मोबाइल होल्डर। तो छोटा सा अपग्रेड है, बहुत ही कॉमन है, आपने भी लगाया होगा, आपको पता होगा इस बारे में, तो इसके बारे में बताने की कुछ ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन बस एक चीज़ है कि तो ये कोई भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हो, बहुत ही हैंडी हो जाता है, मैंने बहुत बार इसे यूज़ किया है, कभी लैंडस्केप मोड में यूज़ करता था, कभी पोर्ट्रेट में, तो बहुत अच्छा है, फ्लेक्सिबल है, मेटल फिनिश है उसका, बहुत ही अच्छा है, ड्यूरेबल है, जेनरिक सा है, मैंने मुंबई से एक शॉप से लिया था लैमिंगटन रोड से, तो कोई ब्रांडेड नहीं है। ब्रांडेड अगर आपको चाहिए तो मैं लिंक में डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको कोई अच्छे ब्रांड का ख़रीदना हो तो, या तो कोई भी जेनरिक आप नज़दीक के शॉप से भी ख़रीद सकते हो। तो इसके बाद जो हम एक्सेसरी में आपको बताने वाला हूँ वो है, तो ये ऑयल सील कवर, आपके सस्पेंशन का ऑयल सील कवर जो होता है, मोस्टली तो ये प्रॉब्लम जो है अपसाइड डाउन फोक्स की जो बाइक होती है उसमें आता है, जिसमें कोई भी थोड़ी सी छोटा सा पत्थर या कंकर जाने के कारण ऑयल सील फट जाता है और ऑयल लीक ईजिली हो जाता है। तो उससे ये प्रोटेक्ट करता है, उसमें आपको कोई भी गंदगी या मड स्क्रेप्स ऐसा कुछ जाने नहीं देता है।
रहता है जिसकी वजह से आपको ऑयल सील फटने का डर रहता है। तो ये बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है, मैं इसका लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ये मैंने मंगाया था मोटो ट्रेंड्स करके एक वेबसाइट है, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट या सही नाम ले रहा हूँ, क्योंकि टाइम हो गया उसको लेके। इसका ब्लॉग भी मैंने अपडेट किया, अपलोड किया था पहले, आप देख सकते हो ऊपर आई बटन में आता होगा। तो इसका लिंक भी दे दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, 700-800 का आता है, लेकिन बहुत ही काम की चीज़ है। अगर आपकी अपसाइड डाउन फोक्स है तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये लगाना। उसके बाद हम बढ़ते अपने अगले एक्सेसरी की तरफ। ये बड़ा है, ये स्मॉल है, तो दो सेट ऑफ विंगलेट्स है, एक बड़ा है एक स्मॉल है, दोनों लगाना ज़रूरी नहीं है। एक तो मैंने लगाया था, एक मुझे स्पॉन्सर हुआ था इसलिए मैंने लगाया है वो। तो आप देख सकते हो ये आया है प्रोजेक्ट मोटराड की तरफ से। तो ये कुछ 700-800 के आते हैं, आई गेस बड़ा वाला 700 का है, छोटा वाला और कम होगा। और दोनों का एक सेट भी आता है, अमेज़ॉन लिंक दे दिया है मैंने डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हो। शो ऑफ करने के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, इससे बाइक का लुक बहुत ही ड्रास्टिकली चेंज हो जाता है, बाइक बहुत ही अच्छी दिखने लग जाती है। आई डोंट नो मेरे बाइक पे दोनों एक साथ कैसे लग रहे हैं, लगाने के बाद मैं आज तक कंफ्यूज हूँ कि दोनों अच्छे दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे। पहले बड़ा वाला लगाया था, बाइक बहुत अच्छी लग रही थी, छोटा वाला फिर से मैंने लगाया बिकॉज एज आई सेड इट वाज स्पॉन्सर्ड। तो आप देख लीजिए, अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर ले सकते हो, आपके बाइक को लगा सकते हो। बहुत से बाइक में लगाते, फुली फेड बाइक्स में भी लगाया जाता है। मेरे दोस्त ने R15 में लगाया, उसमें भी अच्छी दिख रही है, KTMs में भी लगाए जाते हैं। तो एक बार आप देख लीजिए और फिर डिसाइड कीजिए खुद के लिए। वैसे इसके इंस्टॉलेशन का भी वीडियो अपलोडेड है मेरे चैनल पे, आप देख सकते हो, ऊपर आई बटन में आता होगा, या तो आप मेरे पुराने वीडियोस देख सकते हो। तो अगला एक्सेसरी जो हमने इंस्टॉल किया है बाइक पे वो है इंजन गार्ड। तो इसकी मोल्डिंग बहुत ही अच्छी है, दिखने में भी वो अच्छा है और इफ़ेक्टिव भी है, काम भी करेगा ऑब्वियसली। तीन साइड से उसको बोल्ट है, दो तो इंजन की तरफ है और एक वो सेल्फ कनेक्टेड आता है। तो एक बोल्ट यहाँ पे आता है, एक बोल्ट यहाँ पे एंड एक यहाँ पे सेल्फ कनेक्टेड है। तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ फ्रेम स्लाइडर के मुकाबले ये थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन हो जाता है, एक्स्ट्रा हेल्प हो जाता है। तो बाय गॉड्स ग्रेस हमें ये कभी टेस्ट करना नहीं पड़ा, यानी हम बाइक से कभी गिरे नहीं है और हमें वो टेस्ट करने का मौका ना मिले, ऐसा ही होप करेंगे। तो चलिए, इंजन गार्ड है नॉर्मल सा गाड़ी है, मैंने इंस्टाग्राम सेलर से मंगाया था। अगर आप मंगाना चाहो तो मैं इंस्टाग्राम सेलर का आईडी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से मंगा सकते हो। वैसे आपको अमेज़ॉन पे भी बहुत सारे गार्ड्स मिल जाएंगे, ये भी अमेज़ॉन पे भी मिल जाएगा। इफ़ मेरे को मिलता है अमेज़ॉन का लिंक तो मैं अमेज़ॉन का लिंक भी डाल दूंगा फॉर श्योर। तो ये मैग्नेटिक टेल टाइडी है जो फ्लिप होके पूरी पीछे चिपक जाती है टू गिव द बाइक अ स्लीक लुक, और फोटोशूट एक्सेट्रा के लिए यूज़ कर सकते हो। मेरे पुराने वीडियोस में आप देख सकते हो इसे, या तो उसका एक क्लिप में डाल दूंगा। फिलहाल तो ऐसा फ्लिप नहीं हो रहा है क्योंकि मेरे राइड के दौरान मेरे नंबर प्लेट का स्क्रू गिर गया था और वो टेम्परेरी फिक्स करने के लिए मुझे जिप टाई से टाई कर दिया था। तो फिलहाल तो मैग्नेटिक टेल टाइडी पीछे स्लिप नहीं हो रहा है, तो वंस आई फिक्स द स्क्रू वो इशू फिक्स हो जाएगा। उसके बाद मैं अगले व्लॉग में आपको दिखा दूंगा। एंड बहुत ही अच्छा है, बहुत लोगों ने मुझे पूछा था इस मैग्नेटिक टेल टाइडी के बारे में, जिसे बहुत लोगों ने ऑलरेडी इंस्टॉल भी किया अपने बाइक्स पे, दिखने में बहुत ही अच्छा है। एंड उसके अलावा अगर आपने देखा होगा टॉक इंडिकेटर्स इंस्टॉल हुए हैं, पहले अलग से थे, पहले जो सामने वाले इंस्टॉल है वही पीछे भी थे। ये वाले हमने फर्स्ट कॉपी इंस्टॉल किए थे, हमें 700-800 में चारों मिल गए थे, पहले बहुत खुश हो गए थे, लेकिन बारिश के बाद सारे ख़राब हो गए थे, पानी चला गया और थोड़े लाइट्स कम हो गए, दो तीन डिम हो गए, एक साइड का डिम हो गया, पीछे का बंद हो गया था। तो राइड पे जाने के लिए इंडिकेटर ज़रूरी है, इसलिए मैंने स्टॉक इंडिकेटर्स इंस्टॉल किए थे। मुझे जो अभी लगाने हैं वो एक OEM इंडिकेटर लगाने वाला हूँ, कोई दूसरी बाइक का है, थोड़े दिनों में उसका भी ब्लॉग आ जाएगा। मैंने मंगाया है, राइड से पहले मंगाया था लेकिन वो 10-15 डेज़ लेने वाला था आने के लिए, इसलिए मुझे नहीं मिला। तो अभी ज़रूर कुछ दिनों में वो इंस्टॉल हो जाएगा तो उसका ब्लॉग आ जाएगा। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, आप वो भी वीडियो देख पाओगे जल्दी। और उसके अलावा मैं एक दूसरा जो एक्सेसरी आपको बताना भूल गया वो है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट या USB चार्जिंग पॉइंट। तो इसमें दो USB पोर्ट्स दिए गए, एक बटन है और ऊपर बैटरी इंडिकेटर भी आता है, बाइक की बैटरी वोल्टेज का इंडिकेटर आता है। तो ये रैकपैक कंपनी का है, इसका लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, बहुत ही अच्छा है। गोवा के राइड में भी मैं इसे लेके गया था, अभी साउथ के राइड में भी लेके गया था, बहुत ही अच्छी चीज़ है, नेवर फेल्स और बहुत ही अच्छी से चार्जिंग हो जाती है हर एक चीज़ की।
तो वो एक छोटा सी एक्सेसरी है। इसके अलावा हमने इंस्टॉल किया बाइक पे राइड पे जाने के दौरान, हमने इंस्टॉल किया था एयर सीट, जो एयर सीट कुशन सीट होता है राइड के लिए। तो फिलहाल तो अभी मेरे पास नहीं है, वो घर पे रखा हुआ है। मैं उसका एक अलग से सेपरेट ब्लॉग बनाने वाला हूँ उसके रिव्यू का, उसका और मेरे हेलमेट में अभी जो इंटरकॉम लगा हुआ है पीछे V6, वो दोनों का रिव्यू मैं एक ही वीडियो में दे दूँगा। वो वीडियो आ जाएगा 3-4 दिन में, तो स्टे ट्यून फॉर दैट। अगर आपको उन दोनों में से कोई भी चीज़ की रिव्यू चाहिए होगी तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, दोनों भी अच्छी चीज़ है। माइंड यू, मैंने दोनों इन्वेस्टमेंट किए थे राइड पे जाने से पहले और दोनों भी अच्छी साबित हुई, और वो क्यों मैं उस व्लॉग में ज़रूर बता दूंगा आपको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो। और इसके अलावा मेरे पास एक छोटा वाइज़र है, और ये तो मेरे टूरिंग वाइज़र है, ये अभी 2-3 दिन में निकाल दूंगा। ये मैंने इस व्लॉग के लिए रखा था सिर्फ आपको दिखाने के लिए। तो उसके बाद में छोटा वाइज़र है, वो इंस्टॉल कर दूंगा। वो दिखने में बहुत ही अच्छा है, वो भी अच्छा है दिखने में, और सिटी पर्पस के लिए ये फिट हो जाता है, तो वो भी अच्छा है दिखने में, वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है। लेकिन ये मैं सिर्फ टूरिंग के दौरान ही यूज़ करता हूँ, तो अभी मैं निकाल के रख दूँगा। ये मैंने ख़रीदा था और जो छोटा वाइज़र है मुझे स्पॉन्सर हुआ था, तो इसलिए मैं वो लगाता हूँ बाइक पर, लगाना पड़ता है ब्रो। तो दिखता है अच्छा, ऐसा नहीं है कि वो अच्छा नहीं दिखता, वो आपको 2-3 ब्लॉग्स के बाद बाइक पे वही नज़र आएगा। तो आप देख लीजिए और आप खुद ही डिसाइड कीजिए आपको कौन सा वाला पसंद है। तो इस अभी तो फिलहाल मुझे इतने ही एक्सेसरीज़ याद आ रहे हैं। जैसे मैंने कहा टर्न इंडिकेटर जल्दी इंस्टॉल होने वाला है, और हाँ सबसे बड़ी बात, तो मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ हाइट लोवरिंग किट मेरे बाइक पर। वैसे मेरी हाइट है अराउंड 5.8, तो मेरे पैर पहुँच जाते हैं, पूरी तरह नहीं पहुँचते लेकिन टिपटो हो जाते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ जिगो, दोनों साइड से आ रहा है ना बराबर। तो कुछ इतने टच होते हैं मेरे फीट दोनों साइड से, पूरी तरह टच नहीं होते लेकिन कंफर्टेबल है, मेरे को बाइक इतनी कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन एयर सीट इंस्टॉल करने के बाद आपकी हाइट थोड़ी सी बढ़ जाती है बाइक की, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एयर फिल हो जाता है, तो आप थोड़े से ऊपर हो जाते हो। एंड व्हेन आपके बाइक पर बहुत सारा लगेज हो, दोनों बैग आपके टूरिंग बैग लगे हुए हो, टैंक बैग लगे हो, तो थोड़ा सा वो एफर्ट ले लेते हैं आपको बाइक को हैंडल करने में इन टाइट सिचुएशंस। तो इसलिए मैं हाइट थोड़ी सी कम कर रहा हूँ, तो लोअरिंग किट से कुछ 20-30 mm कम हो जाता है। तो हाइट लोअरिंग किट के बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, अब और बहुत लोगों ने बोला था कि हमें दिखाइए कैसे लगाया जाता है, लेकिन वो हर एक कोई नहीं लगाता, तो वो पहले मेरे पास कुछ अवेलेबल नहीं था दिखाने के लिए। लेकिन अब जब मैं खुद लगाने वाला हूँ तो आपको जल्दी देख सकोगे वो क्या हो, कैसे होता है और कैसे इंस्टॉल किया जाता है। ईजी इंस्टॉलेशन आप घर पर आसानी से 5-10 मिनट में लगा सकते हो, ऐसे मुझे बताया गया है, तो देखते हैं। तो वो इंस्टॉल करने के बाद हाइट अराउंड 20-30 mm कम हो जाती है, उसके बाद मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा। तो जैसे मैंने आपको अभी बताया मेरा पैर कितना पहुंच रहा है, तो हाइट इंस्टॉल लोअरिंग किट इंस्टॉल होने के बाद मेरे पैर कितने पहुंच रहे हैं वो भी आपको मैं दिखा दूँगा। तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि कितना, तो यू विल हैव अ क्लियर आइडिया कि हाइट कितनी कम हो जाती है, क्या ये आपके लिए है, क्या आपको लगाना सही होगा कि नहीं, आपके हाइट के हिसाब से सही हो पाएगा, यानी सारे क्वेश्चन के आंसर आपको उस ब्लॉग में मिल जाएंगे। तो स्टे ट्यून्ड और स्टे सब्सक्राइब अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो, आप वरना आपको वो वीडियो मिस कर जाओगे। तो फिलहाल तो मुझे इतने एक्सेसरी याद आ रहे हैं, अगर कुछ मिस कर दिया हो तो मैं अगले ब्लॉग में दिखा दूंगा। तो अगर आपको दिलचस्पी है MT-15 मॉडिफिकेशन में या टूरिंग में या किसी कोई ऐसी चीज़ों में, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड हेल्प अस ग्रो, वी आर 5000+ फैमिली नाउ, तो और तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले ऐसे किसी ब्लॉग में। अंटिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे। Stay safe.